हाय एवरीवन, सो रिसेंटली बजट आया था और उसके अंदर एक अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है उनको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। बट इसके पीछे बहुत सारे लूप होल्स थे जो बजट में डिस्कस ही नहीं हुए उस टाइम पर, स्पीच के टाइम पर। सो उन लूप होल्स को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स के ITRs का ध्यान रखते हैं या फिर कोई भी कंडीशन में आप उस इंसान के ITR फाइल कर रहे हैं जिसकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है और आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही है कि अगर 75 ईयर से ज़्यादा एज हो गई तो ITR फाइल करनी कंपलसरी नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि ITR फाइल करना कंपलसरी कब कब है और कब कब नहीं है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप लोग किसी भी एक ऐसे केस को मैनेज कर रहे हैं जिनमें उनकी एज SSC की एज 75 ईयर से ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो सबसे पहले तो जिन लोगों की 75 ईयर से ज़्यादा है बजट में एक अमेंडमेंट को प्रपोज़ किया गया कि उन लोगों को ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। बट एक्चुअली कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली फोरमोस्ट कंडीशन जो उसके अंदर है वो ये कि सीनियर सिटीजन की कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर कोई सीनियर सिटीजन है, फॉर एग्जाम्पल वो रेंट से इनकम अर्न कर रहा है और उसको पेंशन भी आ रही है तो वो इस अमेंडमेंट का यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए ITR फाइल करनी कंपलसरी है। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर कोई भी पेंशनर है फॉर एग्जाम्पल और उसको FD से भी इंटरेस्ट आ रहा है, या इट मीन्स अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है और वो पेंशनर है और उसको FD से इंटरेस्ट भी आ रहा है बट दोनों ही डिफरेंट बैंक अकाउंट में है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिस्टर ए हैं, इनके दो बैंक अकाउंट है, लेट्स से एक HDFC में एक ICICI में। HDFC में वो अपनी पेंशन रिसीव कर रहे हैं, ICICI में वो अपना FD का इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो इस केस में उनको ITR फाइल करनी कंपलसरी है। रीज़न बीइंग जितनी भी कंप्लायंसेस की लाइबिलिटीज है वो बैंक को कंप्लीट करनी पड़ेगी सीनियर सिटीजन केस में। तो अगर दो बैंक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा कि उस चीज़ को कैसे पूरा किया जाए। तो इस वजह से उन लोगों के लिए ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा जो लोग दो बैंक अकाउंट होल्ड कर रहे हैं। वहीं पर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर FD है सीनियर सिटीजन के पास और वो भी दो बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल एक FD HDFC में और एक ICICI में, तब भी ITR फाइल करना कंपलसरी है क्योंकि अगेन यहाँ पे दो बैंक होल्ड हो रहे हैं। एक SSC ने जो कि सीनियर सिटीजन है, मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज है, उसने दो बैंक अकाउंट होल्ड किए हुए, तो यहाँ भी ITR फाइल करना कंपलसरी है। अगर किसी भी ऐसे SSC को जिसकी 75 ईयर्स से ज़्यादा है और भी कुछ, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड से आ रहा है, शेयर से कुछ डिविडेंड आ रहा है, तो भी उसके लिए ITR फाइल करनी कंपलसरी बिकॉज बहुत सारे सोर्सेज से उसको इनकम हो रही है। एंड नेक्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रिफंड का केस है तो ITR फाइल करनी ही पड़ेगी। सो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम लोग इस चीज़ में फॉल कर रहे होंगे कि जिनको ITR फाइल करनी कंपलसरी नहीं होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं यूजली लोग दो बैंक अकाउंट भी होल्ड कर रहे होते हैं। काफ़ी बार हर कोई से पेंशन पर डिपेंड नहीं है, FD से भी इंटरेस्ट आ रहा होता है और वो दूसरे बैंक अकाउंट में भी होती है, अदर सोर्सेज से भी कुछ ना कुछ इनकम हो रही होती है। सो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग शायद ITR फाइल करनी काफ़ी लोगों के लिए अभी भी ज़रूरी ही रहेगी जो कि 75 ईयर से ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आपकी 75 ईयर से ज़्यादा या फिर अगर आप कोई ऐसा केस मैनेज कर रहे हैं जिसमें SSC के 75 ईयर से ज़्यादा है तो पहले इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि उनको ITR फाइल करनी कंपलसरी है या नहीं। हो सकता है उनके लिए ज़रूरी हो और आप ITR स्किप कर दे तो अननेसेसरी लेट फीस प्लस पेनल्टी लग जाएगी। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड इफ पॉसिबल ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करना जिससे कि अगर किसी की लाइबिलिटी है ITR फाइल करना तो एटलीस्ट वो टाइमली फाइल कर पाए। एंड अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू so much. Bye.